भारतीय कप्तान विराट कोहली इस वक्त क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, इस बात में कोई शक नहीं है। बड़े बड़े गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने वाले कोहली के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन 18 अगस्त 2008 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में वनडे में पदार्पण किया था और अब उसी दांबुला में 28 साल के विराट 20 अगस्त को अपना 119वां वनडे खेलेंगे। लेकिन कोहली के लिए अपना डेब्यू मुकाबला कुछ खास नहीं रहा। अपने डेब्यू मैच में कोहली ने 12 रनों की पारी खेली थी, तब उन्होंने गौतम गंभीर के साथ पारी का आगाज किया था। वे मैच भारत 8 विकेट से हार गया था। कोहली 22 गेंद पर 12 रन बनाकर नुवान कुलसेकरा की गेंद पर LBW हुए थे। कोहली के पहले मैच की ही तरह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय साल भी कुछ खास नहीं रहा। उनका पहला शतक 14 वनडे मैच के बाद आया, जो उन्होंने श्रीलंका के ही खिलाफ कोलकाता में लगाया था। कोहली के करियर का टर्निंग पॉइंट ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही ट्राई सीरीज से आया। 28 फरवरी 2012 को श्रीलंका के खिलाफ 86 गेंदों में 133 रनों की पारी उनकी यादगार पारियों में से एक है, जिसमें भारत को 40 ओवरों में लक्ष्य को प्राप्त करना था और विराट की शानदार पारी की बदौलत भारत ने मुश्किल दिख रहे 320 के लक्ष्य को आसानी से पा लिया। विराट अपने डेब्यू के दिन से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में नंबर 2 पर है। उनसे ऊपर सिर्फ श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा हैं, जिसे भी कोहली इसी सीरीज में अपने नाम कर सकते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।